प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था और भारत की ओर से यूक्रेन में जल्द ही शांति की वापसी के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने की इच्छा जताई थी। इस बीच पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलादिमिर ज़ेलेंस्की की न्यूयॉर्क में फिर एक बार मुलाकात हुई है। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और इस बीच फिर एक बार दोनों के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने भी न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दोनों के बीच हुई इस मीटिंग को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी बताया, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात की है। शायद 3 महीने के अंतराल में दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बैठक है। द्विपक्षीय मुद्दों समेत सभी मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दे पर भी बात हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन मुद्दों पर भारत के ध्यान की बहुत ही सराहना की है और कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा की बहुत सराहना की गई है और उन्होंने शांति की और इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। दोनों पक्षों ने इस बात की सराहना की कि द्विपक्षीय संबंधों में कई मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है और वे सीधे या विभिन्न अन्य स्तरों पर यात्राओं के आदान प्रदान के माध्यम से निकट संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें यह भी बताया कि उनकी अलग अलग देशों के नेताओं से बात हुई है और इस विषय पर चर्चा होती रहती है। सभी की राय यही है कि हमें किसी भी तरह युद्ध में सीज फायर का रास्ता निकालना होगा और इस संबंध में हमारे प्रयास भी जारी हैं। दोनों के बीच शुरू हुई इस जंग को कुछ ही महीनों में 3 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक शांति समझौते को लेकर कोई भी रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। जंग का कोई अंत होगा या नहीं, फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली यानी UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।